बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 28, चैप्टर नंबर 3 डिस्कस होना है। ईद हॉलीडेज़ के बाद ये हमारा पहला लेक्चर है। लेक्चर नंबर 27 में हमने डिस्कस किया था आइडियल गैस इक्वेशन, आज हम उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, इसकी पहली कोई एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। वी नो दैट कि जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब एन इक्वल होता है मास ओवर मोलर मास के, तो इस एन की जगह रिप्लेस करेंगे एम ओवर कैपिटल एम। सो इक्वेशन वन विल बिकम्स पी वी इक्वल टू एन की जगह आ जाएगा एम ओवर कैपिटल एम मल्टीप्लाइज बाय आर टी। अब हम इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें तो हमारे पास ये एम जो है ये इधर चला जाएगा तो पी वी आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पी वी। इस इक्वेशन थ्री में एम इंडिकेट करता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस को, स्मॉल एम इंडिकेट करता है गिवन मास ऑफ गैस को, आर इंडिकेट करता है आइडियल गैस इक्वेशन को, टी इंडिकेट करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, पी इंडिकेट करता है प्रेशर को और वी इंडिकेट करता है वॉल्यूम को। तो इन छह पैरामीटर में से जब हमें ये पांच पैरामीटर्स पता होंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, उसका बी पार्ट। फिर है कैलकुलेशन ऑफ, दूसरी इसकी जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस। हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर हम एन की वैल्यू रिप्लेस करें तो एन इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो पी वी इज इक्वल टू एम ओवर कैपिटल एम आर टी, पी एम इज इक्वल टू एम ओवर वी आर टी। वी नो दैट कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, तो फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह जब हम डी रिप्लेस करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। तो इसको रीअरेंज करें तो डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। तो जहाँ पे डी इंडिकेट करेगा डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस को, पी इंडिकेट करेगा प्रेशर ऑफ गैस को, R is the ideal gas constant, T is the absolute temperature. अब density of ideal gas indicate कर रहा है कि directly proportional है pressure के और inversely proportional है absolute temperature के। तो हम देख सकते हैं कि जो density of gas है वो directly proportional है pressure के और molecular mass के, जबकि inversely proportional है absolute temperature के। तो यहाँ तीन रिलेशन दिए हैं कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन रिलेशन से हमें नतीजा क्या मिलता है कि एनीथिंग दैट डिक्रीज द वॉल्यूम टेंड टू, एनीथिंग दैट डिक्रीज द वॉल्यूम, anything that decrease the volume tends to increase the density because d equal to m over v, d mass के direct है, v के inverse है, तो जो parameter volume को बढ़ा देगा वो यकीनन density को कम कर देगा। तो greater the pressure on gas closer will be the molecule, जब molecule करीब आएंगे volume decrease होगा तो definitely density increase हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो गैस एक्सपेंड होती है, वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो
तो वॉल्यूम की इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम गैस का मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दें, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो साइज गैस का बढ़ जाता है। साइज के बढ़ने की वजह से जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो गिवन वॉल्यूम के अंदर मास जब इंक्रीज होता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली प्रेशर को इंक्रीज करें, डेंसिटी बढ़ती है। वजह क्या है? प्रेशर के इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह इक्वेशन 3 हमें हेल्प करती है कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आइडियल गैस इफ़ द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी आर नॉन। कि हम इस इक्वेशन की मदद से अब देख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो m इज इक्वल टू डी आर टी ओवर पी, तो वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इफ वी नो डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द गैस। फिर बेटे एग्जांपल नंबर 3 है, कहता है सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 380 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 120 डिग्री सेल्सियस प्रेशर, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अ 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एंड कूल्ड टू अ 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कैलकुलेट द प्रेशर इन न्यूटन मीटर एग्जर्टेड बाय द गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट को समझें, वी वन है 380 क्यूबिक सेंटीमीटर, हम कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में तो 1000 पे डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.38 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम वी टू 10 डेसीमीटर क्यूब दे दिया गया है। टेम्परेचर टी वन है 120 डिग्री सेल्सियस, हम 273 ऐड करेंगे बनेगा 393 केल्विन। टेम्परेचर टी टू 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे बन जाएगा 300 केल्विन। पी वन गिवन है 101325 न्यूटन पर मीटर स्केल, तो पी टू फाइंड करने के लिए हम रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन पी वन वी वन ओवर टी वन इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू, हमें फाइंड करना है पी टू। तो पी वन वी वन ओवर टी वन मल्टीप्लाइज बाय टी टू ओवर वी टू, वैल्यूज़ पुट करें तो पी टू की वैल्यू आती है 2939.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर है हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट आर, इसे हम जनरल गैस कांस्टेंट आर भी कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं आर की वैल्यू डिफरेंट कंडीशंस पे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ जाता है। तो आइडियल गैस कांस्टेंट क्या है आर? दिस आर इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, जनरल गैस कांस्टेंट आर, आइडियल गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है ये नेचर की गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। कोई भी आइडियल गैस हो, दुनिया की तमाम आइडियल गैसेस के लिए इस आर की वैल्यू हमेशा सेम होगी। इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? दो पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर है वॉल्यूम, दूसरा है प्रेशर। क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट डिफरेंट है, प्रेशर के भी यूनिट डिफरेंट है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट को हम चेंज करें तो आर की वैल्यू कैन बी चेंज। वॉल्यूम जो होता है वन मोल आइडियल गैस का एसटीपी कंडीशन पे, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन पे, ये होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ अप्लाई होता है एवोगाड्रोस लॉ। तो अब वैल्यू ऑफ आर इन डिफरेंट कंडीशंस पे, पहली है वैल्यू ऑफ आर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मुराद है? वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 273 केल्विन यानी एट एसटीपी। तो वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी में हमें पता है n 1 मोल लिया जाएगा, t 273 केल्विन है, p 1 एटमॉस्फेयर है, v 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। अब अगर हम वैल्यू रिप्लेस करें, वी नो दैट के पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, आर इक्वल टू वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आती है एट एस टी पी,
दैट इज़ 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन. प्रेशर इज़ इन वन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज़ इन 22.414 डेसीमीटर क्यूब. देन द वैल्यू ऑफ आर इज़ 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन. ये जो वैल्यू है इसकी फिजिकल मीनिंग्स हैं. ये दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आर. व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ आर. बेटा ये जो 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन वैल्यू है, ये हमें बताती है कि अगर हमारे पास एक मोल आइडियल गैस हो 273.16 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अगर हम इस गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करना चाहें तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब. एटीएम डेसीमीटर क्यूब इस वक्त एनर्जी का यूनिट है. अब पॉइंट को समझें कि अगर हमारे पास 273.16 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक मोल आइडियल गैस हो, हम उसका टेम्परेचर 1 केल्विन मज़ीद बढ़ाना चाहें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी दैट इज़ इक्वल टू 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब. एटीएम डेसीमीटर क्यूब क्या है, ये एनर्जी का यूनिट है. अब हमें पता है कि जो एक मोल होता है उसमें होते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो फिर मैं कह सकता हूं कि 273.16 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर अगर हम 1 केल्विन बढ़ाना चाहें तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब के. अब हमने कहा कि जो वैल्यू ऑफ आर है ये यूनिवर्सल पैरामीटर है, तमाम गैसेस के लिए इसकी वैल्यू सेम है. तो इट टेल्स अस दैट कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी 1 मोल गैस तमाम आइडियल गैसेस के लिए एनर्जी की जो डिमांड होगी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो सेम होगी. अब वैल्यू ऑफ आर इफ प्रेशर इज़ इन मिलीमीटर एचजी. देखें हम प्रेशर को चेंज करने लगे हैं. एन वही 1 मोल है, टी 273 केल्विन फिक्स है, वॉल्यूम 22.414 डेसी क्यूब फिक्स है. अब एटीएम की जगह आ जाएगा 760 मिलीमीटर एचजी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 1 एटीएम होता है 760 मिलीमीटर एचजी. तो आर इज इक्वल टू पीवी ओवर एनटी. वैल्यूज पुट करें, आर की वैल्यू आती है 62.4 मिलीमीटर एचजी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन. अब हमें पता है कि 1 मिलीमीटर एचजी इक्वल होता है 1 टॉर के. ये गलती हुई है, यहाँ पे मिस्टेक है ये, कि ये जो 760 है बेसिकली यहाँ 760 नहीं है बल्कि 1 मिलीमीटर एचजी इज इक्वल टू 1 टॉर के. तो वही वैल्यू मिलीमीटर एचजी को हटा के टॉर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू होगी 62.4 टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन. फिर अगेन है वैल्यू ऑफ आर इफ़ वॉल्यूम इज़ इन क्यूबिक सेंटीमीटर. अब देखें हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में होते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसी वैल्यू को सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू विल बी इक्वल टू 62400 टॉर क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन. अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगेन है. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन एस आई यूनिट. अगर प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट SI ले लिए जाएं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो फिर प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन मीटर और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब. हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब. 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब. 22.414 डेसीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम होता है 1 मोल का, हमने उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1000 पे करेंगे डिवाइड, हमारे पास आ जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब के. अब हमें पता है P है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसके SI यूनिट में है. V इक्वल है 0.022414 मीटर क्यूब. T है 273 केल्विन. N इक्वल टू 1 मोल. जब वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो R इज़ इक्वल टू PV ओवर NT,
तो आर की वैल्यू आती है 8.3143 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर पर मोल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। बेटा ये जो माइनस टू है ये थ्री से कैंसिल होगा तो बच जाएगा वन, तो आर इज इक्वल टू 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। हमें पता है कि वन न्यूटन मीटर इक्वल होता है वन जौल के, तो आर इज इक्वल टू 8.343 जौल पर मोल पर केल्विन। फिर है वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरी पर मोल पर केल्विन, वन कैलोरी जो होती है वो इक्वल होती है 4.184 जौल के, तो वन जौल किसके इक्वल होगा वन ओवर 4.18 कैलोरी के। तो इट्स मीन ये जो जौल में वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे 4.184 पे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी कैलोरी पर मोल पर केल्विन में। ये कुछ एमसीक्यूज़ के हवाले से हैं कि एटीएम डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, इक्वल होता है जौल आर्ग्स कैलोरी, यानी यूनिट ऑफ एनर्जी ये पाँच हैं, एटीएम डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है, जौल भी हो सकता है, आर्ग्स भी हो सकता है, कैलोरी भी हो सकता है। अब इनकी इंटर कन्वर्जन है, अगर हमारे पास वन कैलोरी हो वो इक्वल होता है 4.18 जौल के, वो इक्वल होता है 4.18 न्यूटन मीटर के, वन न्यूटन मीटर इक्वल टू वन जौल, वन जौल में होते हैं 10^7 आर्ग्स, तो वन कैलोरी इक्वल था 4.18 जौल के, तो वन जौल की जगह आ जाएगा 10^7। वन एटीएम डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 101.325 जौल के, और अगर इसे न्यूटन मीटर में लेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। तो ये यहाँ तक लॉन्ग भी है और इसमें छोटे से पार्ट शॉर्ट भी हैं। फिर ये एग्जांपल फोर है, कहता है कैलकुलेट करें डेंसिटी ऑफ मीथेन 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, पहली बात। दूसरी, फिर अगेन दूसरा पार्ट है, व्हाट विल बी हैपन टू द डेंसिटी इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज टू 27 डिग्री सेल्सियस। फिर तीसरे पार्ट में प्रेशर इंक्रीज करके 2 ATM और टेम्परेचर 0 डिग्री। अब ज़रा देखें वन बाई वन हम उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ हुआ है। देखें टेम्परेचर था 0 डिग्री, पहला केस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 केल्विन ऐड होगा। फिर अगेन है पी इक्वल है 1 ATM के, मॉलिक्यूलर मास मीथेन का निकाले 16 ग्राम है, आर की वैल्यू लेंगे हम एस कॉमन यूनिट लेंगे ATM स्टैंडर्ड में, मुझे यानी जो 1 ATM पे था इट्स मीन STP कंडीशन पे था, डी फार्मूला लगाएं डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम और आर टी, तो हमारे पास आगा डी इज इक्वल टू 0.7139 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। फिर है डेंसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 27 है, 273 ऐड किया 300 केल्विन, वैल्यूज पुट की तो पता 0.649 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। देखें जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज कर गई, तो थस गैस एक्सपेंड्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 27 डिग्री सेल्सियस, सो वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी डिक्रीजेज। फिर है डेंसिटी एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस, टी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 273 ऐड करोगे 273 केल्विन बनेगा, पी इक्वल है 2 ATM के, वैल्यूज पुट करें तो डेंसिटी है दिस वन, मालिक्यूल बिकम क्लोजर, क्योंकि देखें जब हम प्रेशर को बढ़ा देंगे मालिक्यूल करीब आएंगे तो थोड़े वॉल्यूम के अंदर गैस का जो मास है वो बढ़ जाएगा जिससे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इट्स मीन जब डेंसिटी वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी ने क्या हो जाना है, इंक्रीज हो जाना है। फिर है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5, कहता है कैलकुलेट द मास 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 1000 mm Hg प्रेशर कंसिडरिंग दैट अमोनिया इज बिहेविंग आइडली, पी इक्वल है 1000 mm Hg के, हमने इसे कन्वर्ट करना है ATM में तो इसको हटा देंगे ये नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा ATM में 760 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 1.316 ATM। वी है 1 डेसीमीटर क्यूब, टी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल आएगा 300 केल्विन, वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम है, मास हमने कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू लेंगे हम STP वाली, तो हमारे STP वाली तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ गैस, जब फार्मूलाज लगाएंगे हमें पता है PV इज इक्वल टू m/mRT, यहाँ से m कैलकुलेट करना है तो PV m/RT वैल्यूज सब्सिट्यूट करें तो मास ऑफ द गैस इक्वल टू
0.908 ग्राम। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।